आसमान से आफत बरस रही है और पहाड़ से मौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आया ये वीडियो किसी के भी दिल को दहशत से भर सकता है, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है और पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये सब 15 सेकंड के भीतर होता है। जब ये लैंडस्लाइड होती है तब वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से कई अपने मोबाइल से इसका वीडियो बना लेते हैं, जिससे ये लैंडस्लाइड की घटना कैमरे में कैद हो जाती है। लेकिन अगर ये लैंडस्लाइड थोड़ी भी इधर से उधर होती तो बड़ी तबाही में तब्दील हो सकती थी। वैसे ये सिर्फ पिथौरागढ़ ही नहीं, उत्तराखंड के हर जिले हर शहर की यही कहानी है। सैलाब के चक्रव्यूह में सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, यूपी का प्रयागराज भी फंसा है, जिसको एक तरफ से गंगा और दूसरी तरफ से यमुना ने घेर लिया है। पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सड़कें समंदर बन गई हैं और घर दरिया। गंगा और यमुना की बाढ़ के पानी में ये रास्ता पूरी तरह से डूब गया है। जिन रास्तों पर वाहन फर्राटा भरते थे उन पर आज नाव चलाने की नौबत आ गई, तो तमाम घरों में बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है। लोगों को नीचे मंजिल से हट करके पहली मंजिल पे जाना पड़ रहा है, अपने सामान हटाने पड़ रहे हैं। लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये बाढ़ बन गई है। प्रयागराज की जिन सड़कों पर गाड़ियाँ चला करती थी वहाँ अब नाव चल रही है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में नाव ही सबसे बड़ा सहारा है। पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लाइब्रेरी आना जाना बंद हो रहा है, क्योंकि पानी के चलते सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, खाने पीने के होटल वाले बंद करके जा रहे हैं, सारी दिनचर्या हमारी प्रभावित हो रही है। बहुत तकलीफें होती हैं, कभी कभी कोचिंग जाना ड्रॉप कर देते हैं हम लोग। बहुत दिक्कत है यहाँ, तो बाढ़ की दिक्कत हड़ताल होती है, यहाँ कोई नहीं होता है। अगर तो रोड टूटी हुई आने जाने में भी अगर आदमी सोचे कि हम जाएं तो उसमें गिर जाएगा। ये महादेव की नगरी काशी का सुबह बनारस का स्थल है, जो पूरी तरह पानी में डूब गया है। जहां चहलकदमी किया करते थे वहां दूर दूर तक पानी भरा है। तेजी से बढ़ रहा है काशी में गंगा का जलस्तर, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट की। ये देखिए, ये सुबह बनारस का मंच है जहां पर सांस्कृतिक आयोजन योगाभ्यास होता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। 70 मीटर के ऊपर गंगा का जो बहाव है वो देखा जा रहा है। चेतावनी बिंदु के ऊपर लगभग खतरे के निशान को टच करता हुआ गंगा का जलस्तर है। और आप देखिए कि जहां पर लोग चहलकदमी करते थे, जहां पर लोग घूमते थे, अब वह पूरी तरह से गंगा के आगोश में हो चुका है। काशी का लक्ष्मी नारायण मंदिर, 80 घाट और आरती स्थल सब जलमग्न नजर आ रहे हैं। इस वक्त गंगा का जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो मल्लाह समाज की धड़कने बढ़ा रहा है, क्योंकि इस बढ़ते जलस्तर का सीधा असर नौका विहार पर पड़ रहा है। अब जरा यूपी के मुरादाबाद से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ कोसी नदी के पानी ने NH9 को झील में तब्दील कर दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाईवे पर पानी भरा है, जिससे लोगों का संपर्क आपस में कट गया है। मुख्य मार्ग है गांवों को जोड़ने वाला, इस पर भी पानी आ चुका है, जिसके वजह से जो ग्रामीण है वो पानी के बीच से ही होकर गुजर रहे हैं। और बाढ़ के पानी से बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है, चाहे धान की फसल हो या दूसरी गन्ने की फसल हो, तमाम फसलें जो हैं वो खेत डूब गए हैं बाढ़ के पानी से। सैलाब से जिंदगी कितनी बेबस है, इसकी सबसे बड़ी बानगी है ये तस्वीर, जो यूपी के सीतापुर से आई है। यहाँ एक बड़ी आबादी को खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि घरों में इतना पानी भरा है कि छत ही आखिरी सहारा है। सीतापुर में घाघरा नदी ने ऐसा तांडव मचाया है कि कई गांवों को अपनी आगोश में ले लिया है। सीतापुर से करीब कुछ घंटों की दूरी पर है बहराइच, यहां भी घाघरा नदी अपने रौद्र रूप से लोगों की टेंशन बढ़ा रही है। यहां मोतीपुर, नानपारा और महसी तहसील के 50 से ज्यादा गांव टापू बन गए हैं। लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। जहां तक नजर डालेंगे आपको पानी और सिर्फ पानी नजर आएगा।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक मदद नहीं मिल पाई है। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, देश की सबसे ज्यादा आबादी यहीं रहती है और यही सैलाब की सबसे बड़ी मार झेल रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.